नमस्कार, मैं हूं शुभे और आप देख रहे हैं न्यूज स्वनिशन। शिक्षा विभाग की तरफ से नियोजित शिक्षकों को लेकर एक बड़ा फैसला लिया गया है। आपको बता दें कि उनका तबादला जून महीने में होगा और इसके लिए जो मई महीने में आवेदन की प्रक्रिया है उसे पूरी की जाएगी। इसके अलावा क्या कुछ खबर है आपको विस्तार में बताते हैं। नियोजित शिक्षकों की सेवा शर्त नियमावली के मुताबिक जून महीने में राज्य के 4.25 लाख नियोजित शिक्षकों के साथ पुस्तकालय अध्यक्षकों का तबादला किया जाएगा। जून महीने में ही गर्मी की छुट्टी भी निर्धारित है। शिक्षा विभाग ने एक रणनीति के तहत ऐसा करने का प्लान बनाया है जिससे शिक्षकों का तबादला भी सहज ढंग से हो और बच्चों की पढ़ाई भी बाधित ना हो। नियोजित शिक्षकों के सेवा शर्त नियमावली के आधार पर तबादला का आधार शिक्षा विभाग में तैयार कर लिया है। 4.25 लाख नियोजित शिक्षकों के साथ पुस्तकालय अध्यक्षकों की तबादला नीति शिक्षा विभाग ने तैयार कर ली है। तबादला के प्रारूप के अनुसार शिक्षकों को शिक्षा विभाग द्वारा तैयार किए गए सॉफ्टवेयर के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कराना होगा। बताया गया है कि तबादला का सॉफ्टवेयर भी तैयार कर लिया गया है। दिव्यांग शिक्षकों और शिक्षिकाओं को दूसरे जिलों में ऐच्छिक तबादले का लाभ मिलेगा, लेकिन पुरुष शिक्षकों को रिक्ति के आधार पर म्यूचुअल अंतर जिला तबादला हो सकेगा। नियोजित शिक्षकों की सेवा शर्त के आधार पर तबादले के लिए माध्यमिक शिक्षा निदेशक गिरवर दयाल सिंह की अध्यक्षता में बनी कमेटी ने सभी बिंदुओं पर विमर्श कर नीति तैयार कर ली है। गौरतलब है कि नियोजित शिक्षकों को ऐच्छिक तबादले का लाभ एक बार ही मिल पाएगा। शिक्षिकाओं और दिव्यांग शिक्षकों को दूसरे जिलों में ऐच्छिक तबादले का लाभ मिलेगा, वहीं पुरुष शिक्षकों को अंतर जिला तबादला का लाभ मिलेगा। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद नियोजन इकाई इसका जाँच करेगी। पंचायत सचिव के माध्यम से यह कार्य पूरा किया जाएगा, फिर आवेदन वीडियो के माध्यम से डीओ कार्यालय को मिलेगा। कक्षा 1 से लेकर 8 तक के शिक्षकों के तबादले संबंधी आवेदन प्राथमिक शिक्षा निदेशालय व कक्षा 9 से 12 तक के शिक्षकों के तबादले के लिए आवेदन माध्यमिक शिक्षा निदेशालय को भेजे जाएंगे। शिक्षा विभाग ने माध्यमिक शिक्षा निदेशक गिरवर दयाल सिंह की अध्यक्षता में सभी बिंदुओं पर विमर्श कर रणनीति तैयार कर ली है। तबादला में उम्र भी देखा जाएगा और अधिक उम्र के शिक्षकों की तुलना में कम उम्र वाले शिक्षकों का तबादला का लाभ बाद में दिया जाएगा। तबादला में उम्र भी देखा जाएगा और अधिक उम्र के शिक्षकों की तुलना में कम उम्र वाले शिक्षकों को तबादले का लाभ दिया जाएगा। तो आपको बता दें कि शिक्षा विभाग की तरफ से जो नियोजित शिक्षक हैं उनके लिए ये फैसला लिया गया है कि जून के महीने में उन्हें उनके तबादले की जो प्रक्रिया है वो शुरू कर दी जाएगी और मई में आवेदन देने होंगे। इतना ही नहीं, जिनकी उम्र ज़्यादा है उन शिक्षकों को तबादले का फ़ायदा पहले मिलेगा और जिनकी उम्र कम है उन्हें बाद में। इसके साथ साथ आयु सीमा के अलावा दिव्यांग और शिक्षिकाओं के लिए भी तबादले को लेकर कुछ नई दिशा निर्देश दिए गए हैं जिसकी पूरी डिटेल हमने आपको इस वीडियो में दी है। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़ स्वनिशन। नमस्कार।